श्वास तंत्र का रोग यानी रेस्पिरेटरी डिजीज। रस टक्स के रोगी को सर्दी लगने की वजह से सूखी खांसी होती है जो आधी रात से शुरू होकर सुबह तक होती है। छाती में रोगी को दबाव सा महसूस होता है जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। बुजुर्ग लोगों में सुबह को उठने के वक्त गले से म्यूकस के बने हुए डेले से निकलते हैं। इस तरह की सूखी खांसी में रस टक्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए जो कि अच्छे परिणाम देती है। शरीर में दर्द होना और पक्षाघात होना यानी पैरालिसिस का होना। दोस्तों, होम्योपैथी में रस टक्स को पेन किलर के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही रस टक्स पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि रस टक्स के रोगी को किस तरह की दर्द होती है। अगर आपने अभी तक रस टक्स पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रस टक्स पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आप रस टक्स को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब जानते हैं कि रस टक्स हमारे शरीर के किन किन स्थानों में होने वाली दर्द में लाभदायक है। दोस्तों, पानी में भीगने, ज़्यादा वजन उठाने या कोई पुरानी चोट लगने के बाद ठीक होकर फिर से बरसात के दिनों में पैदा हो जाए तो वहाँ पर रस टक्स बहुत लाभदायक मेडिसिन रहती है। दोस्तों, मैंने अपने क्लिनिक में रस टक्स को काफ़ी लंबे समय से उपयोग कर रहा हूँ। रस टक्स ने आज तक निराश नहीं किया है। यहाँ तक कि अगर दर्द के लक्षण रस टक्स के रोगी के लक्षण से ना मिलें तो भी मैंने अच्छे परिणाम आते हुए देखा है। मैं यहाँ पर इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप बिना दवा और रोगी के लक्षण मिलाए बिना ही रस टक्स का उपयोग करें। पीठ और कमर में दर्द होना, ये दर्द हिलने डुलने से पहले पहल बढ़ जाती है लेकिन फिर कम हो जाती है और वहीं चुपचाप पड़े रहने से बढ़ जाती है। दर्द के साथ पीठ और कमर में अकड़न भी होती है। दोस्तों, रस टक्स घुटने के दर्द में भी काफ़ी लाभदायक मेडिसिन है। रस टक्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी अच्छे से काम करती हैं। जोड़ों में सूजन आना, दर्द होना जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वहाँ पर रस टक्स सूजन कम करके दर्द में आराम दिलाती है। इसके अलावा रस टक्स हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। जिनको पक्षाघात हो जाए यानी पैरालिसिस हो जाए, जिनके अंग सुन पड़ जाए और पैरालिसिस होने का कारण सर्दी लगना यानी कोल्ड एक्सपोजर हो, तो वहाँ पर रस टक्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए जो कि बहुत ही लाभदायक मेडिसिन सिद्ध होती है। चर्म रोग, त्वचा का लाल पड़ जाना, सूजन आ जाना और खुजली होने लगना, ये सब लक्षण रस टक्स मेडिसिन के रोगी में दिखाई देते हैं। मानकर चली, यदि कोई व्यक्ति धूप में निकलता है तो उसकी त्वचा पर लाल रंग के दाने या चकत्ते हो जाएं, सूजन आ जाए और भयंकर खुजली होने लगे, इस तरह की एलर्जी में रस टक्स उपयोगी मेडिसिन रहती है। इसके अलावा और भी कई सारे चर्म रोगों में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पित्ती रोग यानी अर्टिकेरिया, सेलुलाइटिस, इरिसिपेलस, हर्पिस इत्यादि। किसी भी चर्म रोग में लालगी, सूजन और खुजली जैसे लक्षण दिखाई दें तो वहाँ पर रस टक्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी लाभकारी मेडिसिन सिद्ध होती है। टाइफाइड फीवर, दोस्तों रस टक्स टाइफाइड फीवर की बहुत ही मूल्यवान दवा है। टाइफाइड फीवर होने पर रस टक्स में पाए जाने वाले रोग लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। रोगी लगातार बिस्तर में करवट बदला करता है, एक बार सोता है फिर उठ बैठता है। रोगी की बीमारी लगातार बढ़ने के साथ ही साथ बेहोशी आती है। रोगी अगर सवाल का जवाब भी देता है तो वो इच्छा से नहीं देता है, हल्का सा बुदबुदा कर देता है। रोगी का चेहरा लाल पड़ जाता है, त्वचा सूखी, गर्म और उम्मीद से ज़्यादा लाल दिखाई देती है। रोगी को सारे शरीर में दर्दें होती हैं। रोगी का पेट फूलता है। रोगी को अनजान में दस्त होते हैं जिनमें कभी कभी खून मिला रहता है। रोगी को पेट में दर्द होती है जो जांघों तक उतर आती है। टाइफाइड के रोगी को खांसी, छाती में दर्द, बलगम के साथ कभी कभी खून के छींटे मिले रहते हैं। रोगी की जीभ मैली सी भूरे रंग की दिखाई देती है और होंठों और दांतों पर लाल रंग की मैल दिखाई देती है।
इस तरह के लक्षण मिलने पर टाइफाइड फीवर में रस्टक्स का उपयोग जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत ही एक मूल्यवान मेडिसिन सिद्ध होती है। अब आखिर में जानते हैं कि रस्टक्स को बताए हुए रोगों में किस तरह से उपयोग में लाना है। दोस्तों, रस्टक्स को आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है दिन में 3 बार। 2-2 बूंद को आप सीधे अपनी जीभ पर भी ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर 30 से 40 साइज की ग्लोब्यूल्स में डालकर 3 से 4 ग्लोब्यूल्स को आप चूस सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।